अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं टमाटो फिश करी बना रही हूँ न्यू ईयर के स्पेशल में। सो सबसे पहले मैंने फिश ले लिया। अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून डाल रही हूँ। नेक्स्ट इसमें मुझे सारे मसाले आए ऐड करना है, तो सबसे पहले मैं सॉल्ट ऐड कर लेती हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, देन मैं मसाला ऐड करूँगी। तो 1 टीस्पून मैंने टर्मरिक पाउडर लिया है, देन 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर, क्यूमन पाउडर एंड रेड चिली पाउडर आप डालना 1 टीस्पून, ठीक है। देन मैंने 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग मस्टर्ड ऑयल लिया है, जिसे इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। मसाले सब अंदर जाना चाहिए, आप ऐसा मिक्स करना। नेक्स्ट मैं इसमें वेनेगर ऐड करूँगी, तो मैंने 2 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग वेनेगर ऐड किया, उसे फिर मिक्स कर देना है। सो ये पचफोरन है, मैंने पचफोरन 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग लिया है। इसमें ऑनियन मैंने 1 ऑनियन दिया है, देन मैं पॉपी सीड ले रही हूँ 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग, मस्टर्ड सीड 1 टेबल स्पून एंड इसका वाटर देखिए, इसका अच्छे से पेस्ट मैंने बना लिया है। नेक्स्ट मैं एक तरफ मसाला निकालूँगी, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, देन इसमें मैं टर्मरिक पाउडर भी ऐड करूँगी, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर एंड क्यूमन पाउडर 1 टेबल स्पून एंड रेड चिली 1 टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून एंड इसमें वाटर ऐड करके इसका पेस्ट बना के रख लूँगी, इसे अच्छे से पेस्ट। और यहाँ पर मैं 4 टमाटो यूज़ कर रही हूँ। देन मैं कढ़ाई ले लेती हूँ, उसमें ऑयल ऐड करना है, ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी अच्छे से रहेगी। देन मैंने पचफोरन ऐड कर दिया है, जब पचफोरन अच्छे से गर्म हो जाए देन मैं मसाला ऐड करूँगी। मसालों को अराउंड, देन मैं ऑनियन का पेस्ट भी ऐड करूँगी, जो मैंने ऑनियन का पेस्ट बनाया था। देन टमाटो डाल के खड़ा ही टमाटो डालूँगी एंड इसे अच्छे से फ्राई करना है लो फ्लेम में अराउंड 10 मिनट्स तक आराम से। जब टमाटो सॉफ्ट हो जाएगा उसमें मैं सॉल्ट ऐड करूँगी एंड थोड़ा सा हींग भी ऐड करूँगी और इसे स्टिल में फ्राई करूँगी और ये लो फ्लेम में ही फ्राई होगा। जब टमाटो सॉफ्ट हो जाएगा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। देन आप इसमें दही ऐड कर लेना, कर्ड, तो यहाँ पर मैंने कर्ड 2 टेबल स्पून लिया है और स्टिल इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ एंड इसके बाद मैं फिश इसमें डाल दूँगी खड़े खड़े। और इसे जितने एक्स्ट्रा मसाला था वो भी डाल दूँगी और इसे अच्छे से थोड़ा सा वाटर दे करके हिला लूँगी कि मसाले एक तरफ तो नहीं है। देन इसके ऊपर कोरिएंडर लीव्स अच्छे से देना है अराउंड 3 टेबल स्पून दे करके इसे लो फ्लेम में रखना है एंड कवर करके रखना है। सो आप इसे कवर करके रखना अराउंड 7 to 10 मिनट्स तक एंड ये मेरा फाइनल लुक है। सो मेरा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।